हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का बुक रिव्यू में। तो हम आज बुक लेकर के आए हैं आपके लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट में, रियल इस्टेट में या फिर बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो वो पांच बुक आपके लिए है, ठीक है। सबसे पहली बुक, सारी की सारी बुकें जो मेरे पास अभी है, एक को छोड़ करके, बाकी सब रॉबर्ट कियोसाकी की है। और रॉबर्ट कियोसाकी को तो आप जानते ही हो, वन ऑफ द वेल्दीएस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन है इन मनी के रिस्पेक्ट में भी बोलो और दिमाग के रिस्पेक्ट में भी बोलो। उनकी स्टोरी तो हर कोई जानता है और उनकी वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में तो सभी ने ही सुना है। अब बात करते हैं, सबसे पहली बुक जो मेरे पास है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिव्यू नहीं दे रहा हूं इस बुकों का, रिव्यू अननेस्ट है। आई बॉक्स में जाकर के आप इन सभी का बुक रिव्यू देख सकते हो। सबसे पहली बुक है बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल वन ऑफ द ऐसी बुक है जिसमें आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट जैसी चीज़ों को समझाया गया है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी बताया गया है कि यार क्या गलती करता है कोई बंदा जो अगर एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करता है या खुद का बिजनेस सेटअप करता है। उसके अलावा गाइड टू इन्वेस्टमेंट, ये भी बुक मेरे लिए, मतलब मैंने अभी इस बुक को पढ़ा नहीं है, बट यार मैंने सोचा कि ये एक बुक लिखी है जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है तो अच्छी ही होगी, इसलिए अभी ले लिया है। अभी मेरे को कुछ जानकारी नहीं है, बट ये मेनली शेयर मार्केट के लिए ऊपर होने वाली है, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड के कुछ पेजेस मैंने पढ़ रखे हैं, इसका रिव्यू एक बुक भी पहले से ही आ चुका है चैनल पे, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हो। इस बुक में हम, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है, यानी बेस्ट सेलर बुक मानी जाती है। इसमें दो जो उनके पूरे के पूरे प्रोफेशन के बारे में ही आप एक तरीके से बोल सकते हो बताया गया है कि कैसे पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट में, रियल इस्टेट में, फिर शेयर मार्केट में, फिर कैश फ्लो क्वाड्रेंट जैसी एक्टिविटीज़ में कैसे ये रॉबर्ट कियोसाकी घुसे, उनके बारे में ये पूरी जानकारी देती है, ठीक है। कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया, क्या क्या उनके पास प्रोफेशन था उनका खुद का, ये भी इन्फॉर्मेशन इस बुक में है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो सभी जानते हैं भाई लोग, किसके, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो हमारी नेक्स्ट बुक जो होने वाली है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं से है, यानी यार वेल्दीएस्ट बुक है कि यहाँ दो बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अगर आप जानते हो, ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, बट उसके पहले ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो इनकी इकोनॉमिकल वेल्थ बहुत अच्छी है। तो ये दोनों ही इंटरव्यू करते हुए इस बुक को अपने पर्सनल शेयर्स करते हैं कि क्या है इस बुक की जानकारी, इसमें सजेस्ट करते हैं। आखिरी बुक जिसका अभी मैंने कुछ समय पहले ही सजेशन किया था, नेपोलियन हिल की ये बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। ऑल थ्रू इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट एंटरप्रेन्योर्स के लिए है ये बुक कि यार आपको कैसे अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना चाहिए, क्या गलती कोई करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम आपको ये वीडियो मेरा क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको अभी मन कर रहा है। तो अगर आपको मन नहीं करेगा तो आप भी वीडियो नहीं देखोगे। वैसे इन्वेस्टमेंट में मन कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसी तरीके से अगर आपका मन हट गया मान लो तो आप इन्वेस्टमेंट से भी हट जाओगे। तो सारा खेल दिमाग का है, और इस दिमाग को कैसे कंट्रोल करें, इस प्रिसाइज वे में कैसे यूज़ करें, इन बुक्स में यूज़ किया गया है। तो ये थी पांच बुकें जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरी तरफ से, और ये बुकें भी कुछ ऐसे लोगों को मिलने वाली है मेरी ही तरफ से जो अपने चैनल्स में, वन ऑफ द वेल्दीएस्ट में से आएंगे, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बस इस बुक रिव्यू के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बुक रिव्यू में। प्राइजिंग अप्रॉक्स मैं सभी के वीडियोस के नीचे तो डाल ही दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।